मेरा ख्वाब ये है कि एक दिन इंशाअल्लाह ताला भारत का प्रधानमंत्री खिजाब पहनने वाली मेरी बेटी बनेगी। मोदी ये कहते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, तो मुझे भी हक हासिल है कि मेरी बेटी इंशाअल्लाह ताला एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बनेगी और कोई नहीं रोक पाएगा। आज ऐसी सरकार है, ऐसी व्यवस्था देश में है जहां किसानों को रौंद दिया जाता है और फिर भी न्याय नहीं मिलता। जो आंदोलन कर रहे थे किसान, उन्हें बेल नहीं है, उन्हें बेल नहीं मिली। असदुद्दीन ओवैसी ने फरुखाबाद में कहा कि बेफिक्र होकर हिजाब टोपी ले और दाढ़ी के साथ वोट करने जाइए, बेफिक्री से आपको वोट डालने जाना चाहिए। साथ ही जयंत चौधरी ने भी इस मौके पर इसी मौजू पर बात की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इंतखाबी जंग रोज बरोज तेज होती जा रही है, इस बीच हिजाब तनाजे को लेकर भी तमाम तरह की बयानबाजियां तेज हैं। ओवैसी और जयंत चौधरी ने भी तीसरे मरहले से पहले पूरी ताकत झोंक दी है। ओवैसी ने फिर एक बार कहा कि आप लोग बेफिक्री से हिजाब और टोपी पहनकर वोट देने जाए। जयंत चौधरी ने कहा कि किसान बीजेपी की घर वापसी कराएंगे। तमाम अहम अपडेट यूपी के हवाले से दे रहे हैं आपको अपनी इस खास पेशकश में। ओवैसी ने फरुखाबाद में लोगों से अपील की कि हिजाब और टोपी लगाकर बेफिक्र होकर वोट डालने जाए। जयंत चौधरी ने कहा कि किसान बीजेपी की घर वापसी कराएंगे। आइए सुनते हैं दोनों लीडरान ने क्या कुछ कहा। ख्वाब ये है कि एक दिन इंशाअल्लाह ताला भारत का प्रधानमंत्री खिजाब पहनने वाली मेरी बेटी बनेगी। मोदी ये कहते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, तो मुझे भी हक हासिल है कि मेरी बेटी इंशाअल्लाह ताला एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बनेगी और कोई नहीं रोक पाएगा। आज ऐसी सरकार है, ऐसी व्यवस्था देश में है जहां किसानों को रौंद दिया जाता है और फिर भी न्याय नहीं मिलता। जो आंदोलन कर रहे थे किसान, उन्हें बेल नहीं है, उन्हें बेल नहीं मिली।